हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिरानिया किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत ही पसंदीदा, एकदम शाही अंदाज में बनने वाली अंगूर और ककड़ी की सब्जी, जिसे खा के बस एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम फ्रेश ककड़ी और साथ ही लिया है 200 ग्राम अंगूर। ककड़ी को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं उन्हें मैं कट कर ले रही हूँ। और अब हमें इसे एकदम पतला पतला पील कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी कट कर सकते हैं या फिर इसे पील कर सकते हैं, एज योर विश। तो हम सभी को अच्छी तरह से पील कर लेंगे। यहाँ हमने सभी ककड़ियों को पील कर लिया है और वीडियो में मैंने जिस तरह से दिखाया उसी तरह से इसे कट कर लीजिए। एक एक इंच की लंबाई में सारी ककड़ियों को इसी तरह से हम एकदम समान समान काट लेंगे। तो यहाँ हमारी सारी जो ककड़ियाँ हैं कट के रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोस, जिन्हें रफली चॉप किया है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है और 5 से 6 मैंने लिए हैं काजू के टुकड़े। और इनका हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट यहाँ पर बनकर रेडी है, ये देखिए। अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल की। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/2 चम्मच राई की, 1/2 चम्मच ही साथ में डालूँगी मैं जीरे की, 1 तेज़पत्ता यूज़ कर रही हूँ, 8 से 10 मैंने ली है काली मिर्च और 1 इंच के करीबन मैंने लिया है दालचीनी। तो ये जो मसाले हमने डाले हैं इन्हें एकदम लो फ्लेम में हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे अपनी जो ग्रेवी है उसे डाल देंगे। स्टर करते हुए चलाएंगे, इसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए ही यहाँ पर ऑयल है जो एकदम सेपरेट हो गया है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी की, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से और इन्हें भी थोड़ा सा हम कुक करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ फ्रेश क्रीम, यानी कि घर की जो मलाई है हम उसे डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पे आप इसे डाल भी सकते हैं, वरना इस मलाई को आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ हमारी ग्रेवी है जो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने जो ककड़ी काट के रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो मसाला है एकदम ककड़ियों में अच्छे तरह से कोट हो जाए। अब मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। नमक मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1/2 कप के करीबन पानी और इन्हें मिक्स करके और ढक के हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा है। यहाँ 10 मिनट हो गया है तो हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ककड़ी है ऑलमोस्ट पकने में आ गई है, तो इस जगह पे हमने जो अंगूर लिए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि अंगूर को भी हम करीबन 5 to 7 मिनट कुक करेंगे, जिससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इस जगह पे अगर आपको लगे कि पानी का रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। तो इसे भी हम करीबन 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही शाही अंदाज में एकदम टेस्टी सी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अंगूर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर एकदम पक गए हैं। अब
अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इस गरम मसाले का जो फ्लेवर आने से सब्ज़ी और भी टेस्टी हो जाए। तो यहाँ हमारी एकदम डिलीशियस टेस्टी वाली सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ हमने ली है एक सर्विंग ट्रे और इसमें मैं अपनी सब्जी को इसमें सर्व कर दे रही हूँ। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।